कैबिन पूरा चेंज किया गया, इतने बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ, आफ्टर मार्केट वाले काम यहाँ पे करके दे रही है कंपनी, को चेंज किया गया। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ में एक नई नवेली गाड़ी और ये दो दिन पहले ही लॉन्च हुई है, क्रेटा की डायरेक्ट ड्राइवल है। अब गाड़ी कौन सी है? गाड़ी है MG Aster ब्लैक स्टॉर्म। ये इसका बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन है, पूरी काली कर दी है गाड़ी को, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये वाला जो स्पेसिफिक एडिशन आप देख रहे हो ना, ये आपको इसके मिडल वेरिएंट स्मार्ट में ही मिलेगा, ना उससे अपर वेरिएंट में मिलेगा, ना उससे लोअर वेरिएंट में मिलेगा। अब स्मार्ट वेरिएंट वो वाला वेरिएंट है जहाँ से आपको सनरूफ भी मिलने लग जाती है। मेरे हिसाब से ये MG Aster का सबसे बेस्ट वेरिएंट है। उस वेरिएंट में भी आपको ये जो एडिशन दिया गया ना भाई, मज़ा आ गया देख के। सारी की सारी काली की गई है, उसके ऊपर से ये अलॉयज देख सकते हो, ऑल ब्लैक में मिलते हैं, कुछ जगह पर रेड एक्सेंट्स ऐड किए गए हैं। और इसके फीचर्स देख के ना आपको बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। और ये जो एडिशन है, कंप्लीट पैकेज है, मुझे क्रेटा से काफ़ी बेटर लगा। आप पहले वीडियो देख लो, खुद कमेंट करके बताना आपको बेटर लगा या फिर नहीं लगा। इस वीडियो में आपको इसका इंटीरियर एक्सटीरियर सारी डिटेल्स बताऊंगी, इसी के साथ साथ इसकी प्राइसिंग क्या रहने वाली सब कुछ बताने वाली हूँ, और इसमें आपको चेंजेस क्या मिलते हैं वो भी बताऊंगी। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले आप इसके हेडलैम्प्स देख सकते हैं। इसमें जो आपको DRLs दिए गए ना, दो DRLs हैं, एक ऊपर है, ये वाले अलग हैं, और जो नीचे हैं वो वाले अलग हैं, ये देख सकते हो। और दोनों ही ड्यूल फंक्शन है, यानी कि इंडिकेटर और DRL दोनों का ही वर्क परफॉर्म करते हैं। और इसमें आपको जो हेडलाइट मिलती है ना, आपको सिंगल प्रोजेक्टर मिलता है, यही लो बीम और हाई बीम में स्विच होती है। और भाई इस हेडलाइट का जो मेन हाईलाइट मुझे लगा ना, वो है ये क्रिस्टल्स। जैसे ही लाइट ऑन होती है बहुत ही सुंदर शाइन करते हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं ये। और इसके जो हेडलैम्प्स का थ्रो है ना, ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पे आपको जो फॉग लैम्प दिए गए हैं, ये हेलोजन में ऑफर किए गए हैं। और यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। और यहाँ पे अगर आप इसकी ग्रिल देखोगे ना, ऑल ब्लैक कलर में ग्रिल दी गई है, इसको चेंज किया गया, हनीकॉम पैटर्न वाली ग्रिल यहाँ पे ऐड की गई है, बहुत प्यारी लग रही है देखने में। इसके सेंटर में आपको यहाँ पे बड़ा सारा MG का लोगो मिल जाता है। नीचे यहाँ पे भी आपको सेम हनीकॉम पैटर्न दिया गया, और यहाँ पे जो स्किट प्लेट है ना, उसको भी ब्लैक में ही ऑफर किया गया। अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे ना आपको ऑल ब्लैक कलर में अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, क्योंकि ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इसमें ना आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। गुडियर का टायर यहाँ पे ऑफर किया गया। और टायर सेक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे ना आपको 21555R17 का टायर सेक्शन मिल जाता है। और ये देखो, यहाँ पे आपको रेड कैलिपर्स भी ऑफर किए गए हैं। यार ये बड़ी सही चीज है, आफ्टर मार्केट वाले काम यहाँ पे करके दे रही है कंपनी, तो बहुत ही बढ़िया चीज है। और ये काफी सूट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑल ब्लैक कलर की गाड़ी है। यहाँ पे अगर आप इसका ORVM देखोगे, फुल ब्लैक में ORVM ऑफर किया गया, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है। और इसके ऊपर आपको जो टर्न इंडिकेटर दिया गया ना, वो LED नहीं है। इसमें आपको जो डोर हैंडल दिया गया, वैसे तो ये बॉडी कलर ही है, बट इसके ऊपर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। और इसमें ना आपको बोर्ड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया। वैसे अगर आप देखोगे ना, तो गाड़ी में क्रोम का बहुत ही मिनिमल यूज किया गया है, सिर्फ फ्रंट में एक लोगो था, थोड़ा सा क्रोम था, लेकिन साइड में देखोगे तो यहाँ एक क्रोम गार्निश मिल जाती है, और यहाँ डोर हैंडल पे क्रोम यूज किया गया, बट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। जितना क्रोम यहाँ यूज किया गया ना, गाड़ी ब्लैक है तो उसके ऊपर और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर ज्यादा क्रोम यूज किया जाए ना, तो पर्सनली मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जितना लगा रखा है बढ़िया लग रहा है। देन यहाँ पे टॉप पे अगर आप इसकी रूफ रेल देखोगे, तो ये रूफ रेल भी आपको ऑल ब्लैक में ही मिलती है। और इसमें ना आपको 48 लीटर्स का फ्यूल टैंक ऑफर किया गया है। और नीचे देखोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक में डोर गार्निश दी गई है। एक तो यार ब्लैक पे ब्लैक ना पता ही नहीं चलती है। अब इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर एंड डिफॉगर मिल जाता है। अगर आप इसके टेल लैंप्स देखेंगे ना, तो स्प्लिट डिजाइन में आपको यहाँ पे LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक तो ब्लैक कार है ना, कहीं पे भी रेड एलिमेंट दिख जाए ना, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। इसमें जो इंडिकेटर की यूनिट, वो यहाँ पे प्लेस है, और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट्स मिल जाती है। सेंटर में आपको यहाँ MG का लोगो मिल जाता है, और Aster की बैजिंग मिल जाती है। यार ये जो Aster की बैजिंग है ना, देखने में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। ग्लॉस्टर में ना बहुत ही बड़े बड़े इनिशियल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जो पर्सनली मुझे इतने सुंदर नहीं लगते, वो काफ़ी चंकी लगते हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। नीचे यहाँ पे आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और रिफ्लेक्टर की यूनिट आपको यहाँ मिलती है। और जो हनीकॉम पैटर्न मैंने आपको फ्रंट में भी दिखाया था, वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी रियर स्किट प्लेट देखोगे, तो फुल ब्लैक में आपको स्किट प्लेट ऑफर की गई है, और ये देख सकते हो यहाँ पे ना क्रोम का वर्क आपको नजर आ रहा होगा। के बूट स्पेस के बारे में बात करें, तो बूट को अनलॉक करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से बूट अनलॉक होता है। यार फॉक्सवैगन की याद आ गई मुझे। और यहाँ पे ना 488 लीटर्स का बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया। यहाँ पे एक लगेज लैंप मिल जाता है, और यहाँ पे ना स्पेस का बड़ा स्मार्ट तरीके से यूज किया गया। ये देखो, यहाँ पे भी सामान आ जाएगा दोनों साइड पे। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपको 16 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है, जो कि C8 का है। बाहर अगर आप देखोगे, तो 17 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि गुडियर का है। इसमें आपको C8 का स्पेयर व्हील ऑफर किया गया है, और ये देख सकते हो इसमें आपको पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है। अब अगर आप इसका ड्राइवर साइड डोर देखेंगे, तो यहाँ ऑल ब्लैक में आपको ड्राइवर साइड डोर ऑफर किया गया है। सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाती है, ये वाला आप देख सकते हो, ब्लैक कलर का लेदर है। और ये जो कार्बन फाइबर वाली फिनिश देख रहे हो ना, ये भी सॉफ्ट टच में फैब्रिक है, जिसके ऊपर यहाँ रेड स्टिचिंग आपको नजर आ रही होगी। और ये देखो, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का एक्सेंट ऑफर किया गया। ये जो डोर हैंडल है, ये भी आपको सिल्वर कलर में मिलता है। यहाँ पे लॉक और अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें से ड्राइवर साइड ऑटो अप एंड डाउन है। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और यहाँ पे भी थोड़ी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। स्पीकर की यूनिट आपको यहाँ पे प्लेस मिलती है। मैं यहाँ पे इसके कैबिन में आके बैठ गई हूँ। इसका कैबिन पूरा चेंज किया गया है, देख सकते हो, कंप्लीट ब्लैक में आपको यहाँ पे थीम नजर आ रही होगी, क्योंकि ब्लैक स्टॉक
विंडो में तो ब्लैक कलर तो ऐड करना ही था, जगह जगह पे ना थोड़ा सा स्पॉटियर फील ऐड करने के लिए रेड एक्सेंट्स भी आपको दिख जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो ब्लैक लेदर रैप्ड है, जिसके ऊपर आपको रेड कलर की स्टिचिंग नजर आ रही होगी। नीचे यहाँ पे आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है, सेंटर में एमजी का लोगो मिल जाता है, लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाते हैं, राइट साइड में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतनी प्रीमियम गाड़ी है लेकिन इसमें क्रूज कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल है इसमें क्रूज कंट्रोल, लेकिन वो यहाँ पे प्लेस है, ये देख सकते हो। देन ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ में आता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसमें आपको ऑफर नहीं की गई है। अब यहाँ पे जो हेडलैम्प और वाइपर के कंट्रोल्स है ना वो अल्टा पलटी है, मतलब इंडियन गाड़ियों के हिसाब से अल्टा पलटी है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, इंडियन गाड़ियों में अगर आप देखोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, राइट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिलते हैं, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिलते हैं और राइट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। यार मेरे हिसाब से ना इसको इंडियंस के हिसाब से चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी गाड़ी ड्राइव करेगा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज दोनों चीजें अपोजिट है। देन यहाँ पे देखोगे तो आपको ORVM के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, और यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। अब अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपको डिजिटल स्पीड नजर आ रही होगी, राइट साइड में आपको यहाँ पे RPM नजर आ रहे होंगे, वो भी डिजिटल लिखे हुए हैं। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं गाड़ी में कितना फ्यूल है, ये आपको छोटा सा मीटर दिया गया, और ये देख सकते हो इंजन टेम्परेचर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और ये देखो ये जो रेड एक्सेंट है ना बड़ा प्यारा लग रहा है, इसके सेंटर में आपको बड़ी सारी डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आपको सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गाड़ी में कितना फ्यूल है, मतलब रेंज दिखा रहा है अभी कितनी गाड़ी और चलेगी। किलोमीटर्स ड्रिवन यानी कि ऑडोमीटर आपको यहाँ 30 किलोमीटर नजर आ रहा होगा, और क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको गियर्स पी पे है अभी गाड़ी, क्योंकि चल नहीं रही है खड़ी है, तो यहाँ पे गियर्स नजर आ रहे हैं। सेंटर में आपको सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको TPMS भी मिल जाता है, ये देख सकते हो। तो ये जो गाड़ी है ना इसके अंदर आपको अच्छी खासी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप इसका आर्मरेस्ट देखोगे ना तो यहाँ पे आपको ब्लैक में लेदर रैप्ड आर्मरेस्ट दिया गया है, जिसके ऊपर रेड स्टिचिंग मिल जाती है, ओपनेबल है, इसके अंदर आप स्टोरेज स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा ब्लैक फैब्रिक भी यूज किया गया है। अगर आप इसकी सीट देखोगे ना तो देख सकते हो ब्लैक के ऊपर आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा, सुंदर लग रहा है देखने में ये, जिसके ऊपर आपको रेड स्टिचिंग भी मिल जाती है, और यहाँ पे ना आपको फैब्रिक सीट्स ऑफर की गई है, तो फैब्रिक सीट्स वैसे भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, और इसी के साथ यहाँ साइड में आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल जाता है, तो होल्ड करके रखने वाली सीट्स है। देन यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से यार लॉन्ग जर्नीज भी इस सीट पे बैठ के आप ट्रैवल करोगे ना तो आपको काफी कंफर्टेबल फील होएगा। देन यहाँ पे अगर आप इसका ग्लव बॉक्स देखोगे तो डिसेंट से साइज के साथ आपको यहाँ ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और ये देखो भाई इस सेगमेंट की गाड़ी में आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। जो कार्बन फाइबर जैसी फिनिश देख रहे हो ये सॉफ्ट टच में है, लेदर है, ये भी लेदर है भाई, पूरे डैशबोर्ड पे आपको लेदर ऑफर की गई है, तो बहुत ही प्रीमियम चीज है ये। देन यहाँ पे एसी वेंट देखोगे ना तो इसके ऊपर भी आपको यहाँ रेड एक्सेंट मिलेगा स्पॉटियर फील ऐड करने के लिए। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिलती है जो कि देखने में काफी प्रीमियम लग रही है। इसमें ना आपको 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया गया है, देख सकते हो, और एसी भी ना आप चाहो तो यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जियो सावन भी मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों ही मिलते हैं, बट वायर्ड है, और इसका जो टच रिस्पॉन्स है ना वो मुझे अच्छा लगा। बाकी अगर आप व्हीकल सेटिंग्स में जाके देखोगे तो यहाँ पे आपको लैम्प, टायर प्रेशर वगैरह सब मिल जाता है। इसके नीचे आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट और एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बढ़िया बात है भाई, काफी प्रैक्टिकल रहते हैं बटन कंट्रोल्स। नीचे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 USB की कनेक्टिविटी मिल जाती है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट यहाँ पे आपको ऑफर किया गया, और यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक टेक्सचर वाला ग्रिप पैड दिया गया, मतलब फोन वगैरह रखोगे तो यहाँ पे आराम से पड़ा रहेगा, कहीं भी स्लिप नहीं होगा। और यहाँ पे देखोगे तो हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए आपको बटन्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको गियर नॉब दिया गया है जिसके सराउंड में आपको सिल्वर कलर की फिनिश देखने को मिल जाती है। आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इसका सनशेड देखोगे तो ड्राइवर साइड पे आपको सनशेड के ऊपर यहाँ वैनिटी मिरर मिल जाता है, बढ़िया चीज है भाई। दूसरी साइड भी आप सनशेड के ऊपर देख सकते हैं, आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। देन यहाँ पे अगर आप उसकी कैबिन लाइट देखोगे ना तो कैबिन लाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, देख सकते हो, और यहाँ सेंटर में आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और ये देखो यहाँ पे भी आपको सिल्वर एक्सेंट देखने को मिलता है, और इसमें आपको जो ORVM दिया गया है वो ऑटो डिमिंग नहीं है, नॉर्मल डे नाइट वाला ORVM ही ऑफर किया गया है इसमें आपको। और इसमें आपको जो ड्राइवर साइड सीट दी गई है ना ये हाइट एडजस्टमेंट के साथ में आती है जो कि मैनुअल है, और इस वेरिएंट में ना आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया गया है जिसकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है। अभी मैं इसकी रियर कैबिन में आके बैठ गई हूँ, अंदर बैठते ही जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो है इसकी इतने बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ। यार साइज काफी अच्छा है, मतलब आपके हेड के भी ना पीछे तक जा रही है, तो दोनों रोज में हर एक बंदे को प्रॉपर व्यू आने वाला है अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो। उसके बाद मेरी हाइट जो है वो 5'8" है, ड्राइवर साइड सीट को उसके अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट कर चुकी हूँ, देख सकती हूँ। और नीरूम काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे, अगर मैं पूरे पैर फैला के भी बैठ जाऊंगी तो भी नीरूम काफी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट आपको यहाँ डिसेंट सा मिलता है, रिक्लाइन एंगल अच्छा है, और हेडरूम भी आपको सही मिलता है। और यार जो आपको फैब्रिक सीट दी गई है ना इसकी वजह से सीट और भी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है, लॉन्ग जर्नी से भी आपको काफी कंफर्टेबल फील होने वाला है। और यहाँ सेंटर में देखोगे तो आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जो काफी ब्रॉड है,
और ये ओपनेबल है, ये देख सकते हो। इसके अंदर आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं, बढ़िया चीज़ है, काफी स्टर्डी भी है आर्मरेस्ट। और तीन एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ ऑफर किए गए हैं। सीट्स वाला डिजाइन जैसे मैंने आगे दिखाया था सेम ही है, बस इसके ऊपर भी आपको यहाँ जगह जगह पे रेड स्टिचिंग दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको LED लाइट्स मिल जाती है और मैप पॉकेट देख सकते हैं, इसके अंदर भी आप थोड़ा सामान रख सकते हैं। रियर AC की यूनिट आपको यहाँ मिल जाती है, जिसके नीचे आपको यहाँ पे दो USB पोर्ट मिल जाते हैं, तो चार्जिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीन लोगों के बैठने के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हेडरेस्ट तो आपको तीन दिए गए हैं, बट जो सेंटर में पर्सन बैठेगा ना उसको पैर रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो फ्लोर है थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, तो अगर बच्चा बैठता है तो ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएगा। बाकी यार गाड़ी जेन्युइनली बहुत कंफर्टेबल है, एक तो सीट इतनी कंफर्टेबल फील हो रही है ना कि लॉन्ग जर्नीज पे भी मजा आएगा अगर कहीं जाओगे तो इसमें बैठ के। एस्टर ब्लैक स्टॉर्म के साथ में आपको कुछ ऐसी चाबी देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पियानो ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाती है, जिसके ऊपर MG का लोगो है और यहाँ पे रेड एक्सेंट नजर आ रहा होगा, काफी सुंदर लग रही है इसकी चाबी। यहाँ पे थोड़ा क्रोम का यूज है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, इसे प्रेस करके रखोगे ना तो बूट अनलॉक हो जाएगा। यार इसकी चाबी ना मुझे देखने में काफी प्रीमियम लगी। प्राइसिंग की बात करें तो सबसे पहले तो स्पेसिफिकली जो ये वाला एडिशन है ना ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वेरियंट में मिलेगा, ना इससे अपर वाले वेरियंट में मिलेगा ना इससे लोअर वाले वेरियंट में मिलेगा। बाकी यार ये आपको CVT और मैनुअल दोनों में ही ऑफर की जा रही है। मैनुअल की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 14.47 लाख एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी और CVT की बात करें तो ये आपको 15.76 लाख एक्स शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको एस्टर ब्लैक स्टॉर्म कमेंट करके जरूर बताना। एक बार आपको फटाफट से बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। सबसे पहले तो पूरी गाड़ी ब्लैक है, उसके अलावा अगर आप फ्रंट से देखोगे, साइड से देखोगे या रियर से देखोगे तो जगह जगह पे ब्लैक एक्सेंट्स ऐड किए गए हैं। अलॉयज देख सकते हो, इसको भी ब्लैक किया गया है। इंटीरियर भी यहाँ पे आपको ब्लैक देखने को मिलता है और कुछ कुछ जगहों पे थोड़े थोड़े रेड एक्सेंट्स भी ऐड किए गए हैं। यार मुझे तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट कर देना। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना। मिलती है अगली वीडियो में, बाय बाय।